तो फ्रेंड्स ये बनके तैयार हो गया हमारा बहुत टेस्टी सा पनीर कटलेट्स, और बहुत टेस्टी बना है। चलिए आप बच्चों को देते हैं और टेस्ट कराते हैं कि इसका टेस्ट कैसा लगा उन्हें, इंजॉय कराते हैं। तो ये है फ्रेंड्स आज की हमारी रेसिपी का पूरा सामान जिससे हम आज की अपनी रेसिपी बनाने वाले हैं। इतना यूनिक तरीके से पनीर की सब्जी बनाएंगे ना कि आपको खा के लगेगा हाँ कुछ नया टेस्ट है, कुछ बहुत अच्छा सा बना है, और बच्चों को भी एकदम नया लगेगा। तो इसके लिए ये है 2 बॉईल किए हुए आलू, और ये घर का बना हुआ पनीर। मैं हमेशा घर का बना हुआ पनीर ही यूज़ करती हूँ, बहुत जल्दी बन जाता है और घर का फ्रेश पनीर बनता है तो अच्छा भी लगता है। तो बस ये देखिए, ये घर का एकदम फ्रेश बना हुआ पनीर है, एकदम मार्केट जैसा बन जाता है आधा घंटे के अंदर। ऐसा कुछ नहीं है कि 5 घंटे लगेंगे, थोड़ी सी देर में बहुत अच्छा बन जाता है। और ये है हमारे ग्रेवी के लिए, जिसमें है टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन और मूंगफली, और ये हमने ले रखा है दालचीनी और इलायची। बस यही हम अपनी ग्रेवी बनाने के लिए यूज़ करेंगे। और कितनी फटाफट रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवी फटाफट बनके तैयार हो जाती है, जो हमें लगता है हम वो फ्लेवर नहीं ला सकते रेस्टोरेंट जैसा, इमिजिएटली आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो ये हमारी कढ़ाई गरम हो गई है और ये हम सारी चीज़ें एक साथ इसमें डालेंगे और बस इसे हाई फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए टॉस करना है। बिल्कुल 1 चम्मच ऑयल लिया था हमने और इसे बहुत अच्छे तरीके से हाई फ्लेम पर हमको बॉईल करना है। तो ये टॉस हो जाएगा तो हमारा जो मसाला है ना ग्रेवी इमीडिएटली तैयार हो जाएगी, उसे फिर बाद में बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसे हाई फ्लेम पर होने देते हैं 2 मिनट के लिए। तो ये देखिए हमारी सब्जियां 2 मिनट में बढ़िया तरीके से पक गई हैं, और या आप कहिए कि इसे हमने टॉस कर लिया है हाई फ्लेम पर। तो अब जो हमारी ग्रेवी बनेगी ना वो कच्ची सब्जियों की नहीं बनेगी, एकदम पकी हुई बनेगी। तो इसे अब 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं जैसे ये ठंडा हो जाए, फिर हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। तो ये हमने पैन लिया है बाउल, इस बाउल में ये अपने आलूओं को अच्छे तरह से मैश कर लेते हैं, जिससे जो हम अपने कटलेट्स बोल लीजिए, बॉल बोल लीजिए, जो आप शेप देंगे वो शेप इसका बन जाएगा। तो बस मैंने ये बहुत अच्छे तरीके से इस तरह से हाथों से इनको दबा लिया है, और अब इसमें हम डालने वाले हैं 1 चम्मच कोकोनट पाउडर। एकदम नया फ्लेवर निकल कर आएगा। और 2 चम्मच इसमें डालेंगे हम लोग कॉर्नफ्लावर, जिससे जो हम बना रहे हैं कटलेट्स हमारे बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएं, बन जाएं, और जब हम अपनी सब्जी बनाएं तो बहुत अच्छे तरीके से बने। और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, ये इसका कोई मेज़रमेंट नहीं है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए कितना आपको डालना है और क्या डालना है। अगर आप इसमें और भी चीज़ें ऐड करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि हम ग्रेवी में सारे फ्लेवर डालने वाले हैं तो इसमें फ्लेवर डालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ऐसे ही बहुत टेस्टी लगता है। अगर आप बॉल्स में भी ये फ्लेवर डाल देंगे तो फिर वो फ्लेवर मिक्स हो जाते हैं, फिर फ्लेवर अच्छे से नहीं आते हैं। अब ये देखिए इस तरह से मेरा डो बन के तैयार हो गया है, और मैं इसको कटलेट वाला शेप देने वाली हूँ। तो बस अब मैं अपने पनीर को कट करूँगी। ये मेरा डो लग के तैयार हो गया है एकदम बढ़िया, ये देखिए बढ़िया डो लग के तैयार हुआ है।
तो बस अब हम शुरू करते हैं हमारे कटलेट्स बनाना। इस तरह से इसे ऐसे करिए गोल और हाथ से इस तरह से इसे दबा दीजिए। अभी आप इसका जो करना चाहें ना, ये इतना प्रॉपर हो गया है कि आप जो शेप देना चाहेंगे वैसा ये हो जाएगा। इसके अंदर ये मैं पनीर है इसके अंदर ऐड कर रही हूँ इस तरह से, ये देखिए इस तरह से जब आप ऐड कर देंगे तो ये एक प्रॉपर गोला बन जाएगा। और मैं कुछ इस तरह का शेप इसे देना चाहती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है यही प्रॉपर शेप है। तो बस ये इस तरह से मैं बनाती जाऊँगी। और ये मैंने बना के रखा है कॉर्नफ्लेक्स का चूरा, जो मैं ज़्यादा बारीक नहीं करूँगी, ऐसे ही लगाऊँगी। मुझे बहुत बारीक नहीं लगाना है, आप चाहें तो बारीक करना चाहते हैं तो बारीक कर सकते हैं, बट अगर ऐसे ही लगाएंगे ना तो एकदम प्रॉपर लगेगा। तो इस तरह से ऐसे ही लगाइएगा और इस तरह से सारे अपने बॉल्स बना के तैयार कर लीजिएगा। तो ये देखिए इस तरह से बन के तैयार हो गए हैं। बस अब मैं इसे इसमें इस तरह से थोड़ा थोड़ा, जिससे जो इसका क्रिस्पीनेस है वो रहे बरकरार। तो बस अब मैं इसे कर लेती हूँ। ये मेरे बहुत बढ़िया तरीके से हो गए हैं रैप, आराम से हो जाते हैं जब हम थोड़ा सा आलू में कॉर्नफ्लोर मिला देते हैं तो बहुत बढ़िया तरीके से। तो ये देखिए इस तरह से ये बनके तैयार हो गए हैं और मेरी कढ़ाई का ऑयल भी गर्म हो गया है। तो इन्हें कर लेते हैं फ्राई अच्छी तरह से, थोड़ा स्लो फ्लेम पे करिएगा, आराम से फ्राई होने दीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, ये सबसे बड़ा काम है। हालांकि सब बॉइल्ड है कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी कच्चापन नहीं आना चाहिए, अच्छे से बॉइल होना चाहिए। तो ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से सिक गए हैं, एकदम रेड और बहुत सही एकदम। ये देखिए चारों तरफ से, अब इसे निकाल लेते हैं। तो अब डाल देते हैं इसमें सबसे पहले, तो बस जीरा हमने डाल दिया है और इसमें अपना ग्रेवी डाल देते हैं। तो बस जैसा कि मैंने आपसे कहा था, अगर ग्रेवी हमारी तैयार है तो फिर हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, और वही हुआ। देखिए कितनी जल्दी ऑयल इसमें 2 मिनट में हो गया। और अब इसमें अपने मसाले ऐड कर देते हैं, जैसे कि सबसे पहले धनिया पाउडर, उसके बाद हल्दी, उसके बाद मिर्ची, नमक, ये सब आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा जितना आपको लगता है कि हमें रिक्वायरमेंट है। तो ये सब डाल के मिक्स करिए। अब आप देखिएगा कितनी जल्दी 5 मिनट में हमारी इतनी टेस्टी सब्जी बनके तैयार हो जाएगी, और वो भी इतनी जल्दी। और लास्ट में डालना है हमें ये एक कटोरी मलाई, आप चाहें तो बाज़ार का क्रीम भी डाल सकते हैं, पर आपको हमेशा ही मैंने कहा है कि मैं घर का ही यूज़ करती हूँ तो मैं घर का ही डालूँगी, आप बाज़ार का डाल सकते हैं आराम से, कोई उसमें दिक्कत नहीं आती है, बट घर की ज़्यादा फ्रेश होती है। मैं पनीर भी घर पर ही बनाती हूँ और मलाई भी घर पर ही यूज़ करती हूँ। तो बस ये देखिए एकदम बढ़िया ग्रेवी हमारी बनके तैयार हो गई है। इसमें बस हम डालेंगे कसूरी मेथी और थोड़ा सा गरम मसाला, और स्वीटनेस के लिए बिल्कुल 1 चम्मच टमाटो केचप, जो मैं हमेशा डालती हूँ। तो बस अब इसमें हम डाल देते हैं कसूरी मेथी लास्ट में, और 1 चम्मच टमाटो केचप, जिससे इसकी स्वीटनेस बनी रहे, और सबसे लास्ट में।
और ये आखिरी में थोड़ा सा गरम मसाला। तो ये ग्रेवी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, एकदम बढ़िया बनी है, जैसा हमें चाहिए वैसी बनी है। ये देखिए, इसे कर देते हैं बंद और अब करते हैं सर्व। तो ये हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है, अब हम इस पर थोड़ा सा क्रश किया हुआ पनीर ऐड कर देते हैं इस तरह से, और ये मेरे देखिए इस तरह से सिके हुए पीसेस जो हमने बनाए थे, बहुत टेस्टी। और इसके ऊपर गार्निश करेंगे हम थोड़ा थोड़ा हरा धनिया और ये देखिए इस तरह से ये बनके तैयार हो गए हैं। खा के बच्चे बताएंगे कि कितना टेस्टी बना है, बट बना बहुत टेस्टी है, अच्छा दिख रहा है। तो चलिए बच्चों को टेस्ट कराते हैं, फिर देखते हैं कैसा बना है। तो फ्रेंड्स, ये बनके तैयार हो गया हमारा बहुत टेस्टी सा पनीर कटलेट्स, और बहुत टेस्टी बना है। चलिए आप बच्चों को देते हैं और टेस्ट कराते हैं कि इसका टेस्ट कैसा लगा उन्हें, इन्जॉय कराते हैं। तो बस ये टेस्ट करने के लिए हमारे जजेस बैठ जाते हैं डेली, तो इनका काम ही है, ये कोचिंग से आते हैं ऐसे लेट जाते हैं जैसे ही पता नहीं। अब डिनर का टाइम है तो डिनर करना पड़ेगा। ओह माय गॉड, पनीर भी है, ग्रेवी भी है। स्लाइस निकालने की इतनी मेहनत, ऐसे कौन खाता है भाई लच्छा पराठा। और देखिए गाइस, ऐसे आपने पहली बार देखा होगा किसी को लच्छा पराठा ट्राई करते हुए। आराम से पनीर कटलेटी अच्छा लगा, कुछ ना कुछ तो इन्हें लास्ट में बोलना ही होता है। बोला थोड़ी, बोला मैंने।